हैं दुर्ग जिले की तरफ, जान लेते हैं दुर्ग का हाल, क्या कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों पर बने रहने वाली है। सुबोध तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जी सुबोध। लीना जी, आज हनुमान जन्मोत्सव है और जहां मैं खड़ा हूं यह हॉस्पिटल है, छतन हॉस्पिटल है और एक बहुत बड़ा परिसर है जहां पर एक जीवंत हनुमान मंदिर है। इस हॉस्पिटल के बनने से और भिलाई इस्पात संयंत्र के स्थापना के पहले से यह मंदिर यहां पर स्थापित है और कहा जाता है कि जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ है तब से यहां पर न केवल हॉस्पिटल बल्कि इस पूरे भिलाई नगर को भगवान हनुमान जी का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है और दिन दूनी रात चौगनी यहां का भिलाई इस्पात संयंत्र और यहां के लोग कर रहे हैं, यहां के बाशिंदे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहां पर जो हजारों की संख्या में कतार लगी हुई है भक्तों की, यह पहले भी इसी तरह से कतार लगती थी मगर अब वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए यहां पर सीएएफ के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है क्योंकि पिछले दिनों 4-5 दिनों पहले यहां पर डोम शेड निर्माण को लेकर भी विवाद हुआ था और भक्तों का मन यहां पर उथल पुथल से मच गया था, तो उस वजह से यहां पर जो व्यवस्था की गई है अब तमाम जो सेवक हैं, मंदिर के सेवक हैं, मंदिर समिति से जुड़े हुए लोग हैं और सीएफ के जवान यहां पे मौजूद हैं और जिस तरीके से सुबह बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे से ही यानी कि भोर से ही सूर्योदय के साथ ही यहां पर भक्तों का आना जाना शुरू हो गया और यहां पर बहुत दूर से केवल भिलाई नगर ही नहीं बल्कि अन्य शहरों से भी, अन्य जिलों से भी भक्तगण यहां पे आते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, हनुमान मंदिर प्रसाद प्राप्त करते हैं और यहां पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं यहां पर जिसे देखा जा रहा है लोग सेल्फी पर भी लेने को सेल्फी भी ले रहे हैं, सेल्फी लेने में व्यस्त हैं और जो पानी पिलाने को लेकर सेवक लगातार लगे हुए हैं, जो यहां पर कतार से भक्तगण खड़े हैं उन्हें कहीं किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो उस व्यवस्था के लिए, उस व्यवस्था को देखने के लिए अगर कंठ सूख रहा है तो उन्हें पिलाने के लिए पानी पिलाने के लिए की भी व्यवस्था बीच बीच में की गई है और लगातार यहां पर सेवकों का आना जाना चल रहा है। लीना जी। वहीं अगर अन्य खबरों की बात की जाए तो क्या कुछ खबरें हैं, राजनीतिक हो, आपराधिक हो या किसी भी क्षेत्र से जुड़ी, क्या कुछ खबरें होंगी जो सुर्खियों पर बनी रह सकती हैं? जिना जी, अगर राजनीतिक खबरों के बारे में बात करें तो जिस तरीके से आने वाले समय में कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की तैयारी पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हो रही है और इसे भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में देखा जा रहा है, माना जा रहा है और मौजूदा जो केंद्र सरकार है क्योंकि डबल इंजन की सरकार होने की वजह से कई राज्यों में इसे लेकर एक बहुत अच्छी बहुत अच्छा प्रयास है, अखंड भारत की योजना और हिंदू राष्ट्र की योजना को लेकर चर्चा गर्म है और इसी बात को लेकर कल से लगातार जिला कार्यालयों में, शहर जिला कार्यालयों में बैठकें जारी हैं और कल ही सुश्री सरोज पांडे जो कि राज्यसभा सांसद है उनके द्वारा उनके नेतृत्व में जिला भाजपा कार्यालय में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया जिसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सम्मिलित किया गया और बताया गया कि किस तरीके से आगामी चुनाव को लेकर अगर सरकार बनानी है तो आगामी चुनाव को लेकर बूथ के हर एक व्यक्ति यानी कि हर एक मतदाता तक कैसे पहुंचा जाए और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाए। लेना जी। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सुबोध। तो ये तो हो गई दुर्ग जिले की खबरें जो सुर्खियों पर बने रहने वाली। हनुमान जयंती पर सीधे हमारे रिपोर्टर मंदिर के सामने जुड़े, मंदिर की अपनी ही मान्यता है, वहीं बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर भी उन्होंने जानकारी